हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले टाइम एंड वर्क कार्य और समय। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहेगा, अंत तक देखते रहेगा। अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। आइए दोस्तों शुरुआत करें। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। आपका प्रश्न है कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना? देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे ए कोई एक व्यक्ति है, बी भी कोई व्यक्ति है, सी भी कोई व्यक्ति है ना। किसी का नाम लिख दें या कोई व्यक्ति लिख दें, बच्चे बूढ़े कुछ भी लिख सकता हो, पर वो उसी काम को कितने दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उसको कितने दिन पूरा करेंगे, है ना? तो देखते हैं दोस्तों, इन तीनों की यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे अपन? एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम दोस्तों, अब आपको एलसीएम लेना है क्योंकि आप ऐसे डंडे खींचोगे लिखोगे कितना टाइम लगेगा, एक सेकेंड में आंसर आए कैसे आएगा। दो छोटा छोटा गुणांक लेना, एक ऐसी संख्या लेना जिसका जिसमें तीनों का भाग जाता हो, जिसमें तीनों का भाग जाता हो। देखो तो हमने ले लिया दोस्तों यहाँ पे 60, 10 छंग 60, 12 पंच 60 और 15 चौके 60, सभी का भाग इसमें चला गया, है ना? ये आती दोस्तों इसकी इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता इफिशियंसी बोलते हैं जिसको, बोलते हैं कार्य क्षमता। 60 हो गए कुल कार्य। आपको पूछते हैं कुल कार्य कितने हैं। कुल कार्य जैसे कुल चटाई बनाना, मेज बनाना, कुर्सी बनाना, कुछ भी काम करना, कोई टोपी बनाना, कोई खिलौने बनाना, यानी कि 60 काम है। 60 फीट गड्ढा खोदना, 60 फीट दीवार बनाना, ऐसे। ठीक है, तो काम कितना अपने पास, कुल कार्य हो गया अपने पास 60। इसको बोलते हैं कुल कार्य, इसको बोलते हैं कुल कार्य। अब इफिशियंसी कितनी है, 6 × 4 = 10 × 5 = 15। इन ये तीनों मिलकर एक दिन 15 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे अपन 60 में इसी 15 का भाग देते हैं, तो 15 × 60, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे इसको? 4 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। आई होप कि सुन में आ गया होगा। 4 days। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, यदि ए प्लस बी ये 15 दिन, बी प्लस सी 18 दिन, ए प्लस सी 9 दिन। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में काम करेंगे? यहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति एक एक साथ काम कर रहे हैं, फिर कह रहा है कि तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो कितने में काम पूरा होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले तो अपन इसकी एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो देखो 9 × 90 = 98, 98 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90 कुल कार्य हो गया अपना 90। ये हो गया कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया अपना 90। ठीक, 90 काम करना पड़ेगा, कुल 90 काम होगा। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90 और 10 × 9 = 90। तो कितने आई, 10 × 6 = 16 × 5 = 21, 21 काम हो गए, कुल 21 काम हो गए। अब यहाँ देखना है दोस्तों कि यहाँ पे इनको जोड़ेंगे अपन, तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो यहाँ 2 गुणांक में आ जाएगा इसका, 2 इसके गुणांक में आ जाएगा। और गुणा वाली संख्या यहाँ भाग में लाएंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, गुणा वाली संख्या यहाँ भाग में आ जाएगी और 2 यहाँ से हट जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 90/21 × 2/1, 3 से काटे 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 30 × 2 = 60/7 और 7 × 8 = 56, 4/7 = 3, 8 × 4/7 = 3, ये इसका काम को पूरा हो जाए। आई होप कि समझ में आ गया हो।
ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय।